गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सिंह मीणा, सहायक आचार्य राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा, यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा आप जानते हैं कि हम धारा 108 दुष्प्रेरक अवेटर के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। कल मैंने आपको धारा 108 का स्पष्टीकरण 3 बताया था, जो ये प्रावधान करता है कि यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित व्यक्ति अपराध करने के लिए विधि अनुसार समर्थ हो, या उसका वही दूषित आशय ज्ञान हो जो दुष्प्रेरक का है, या कोई भी दूषित आशय ज्ञान हो। इस स्पष्टीकरण में 4 दृष्टांत दिए गए हैं। धारा 108 का स्पष्टीकरण 3 दृष्टांत 1 के दूषित आशय से एक शिशु या पागल को वह कार्य करने के लिए दुष्प्रेरण का भी अपराध है, दुष्प्रेरण भी अपराध है, दुष्प्रेरित करता है जो अपराध होगा यदि वह ऐसे व्यक्ति द्वारा किए जाए जो कोई अपराध करने के लिए विधि अनुसार समर्थ है और वही आशय रखता है जो कि कै का है। यहाँ चाहे वह कार्य किया जाए अथवा नहीं किया जाए, कै अपराध के दुष्प्रेरण का दोषी है। दूसरा दृष्टांत है यह की हत्या करने के आशय से खे को, जो 7 वर्ष से कम आयु का शिशु है, वह कार्य करने के लिए कै उकसाता है जिससे यह की मृत्यु कार्य हो जाती है। खै दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप वह कार्य कै की अनुपस्थिति में करता है और उसे यह की मृत्यु कार्य करता है। यहाँ यद्यपि खै वह अपराध करने के लिए विधि अनुसार समर्थ नहीं था, तथापि कै उसी प्रकार से दंडनीय है मानो खै वह अपराध करने के लिए विधि अनुसार समर्थ हो और उसने हत्या की हो, इसलिए कै मृत्यु से दंडनीय है। तीसरा दृष्टांत है खे को एक निवास गृह में आग लगाने के लिए कै उकसाता है। खे अपनी चित्त विकृति के परिणाम स्वरूप उस कार्य की प्रकृति या यह है कि वह जो कुछ कर रहा है वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है जानने में असमर्थ होने के कारण कै के उकसाने के परिणाम स्वरूप उस गृह में आग लगा देता है। खे ने कोई अपराध नहीं किया किंतु कै एक निवास गृह में आग लगाने के अपराध के दुष्प्रेरण का दोषी है और उस अपराध के लिए उपबंधित दंड से दंडनीय है। चौथा दृष्टांत है कै चोरी कराने के आशय से यह के कब्जे में से यह की सम्मति लेने के लिए खे को उकसाता है। खे को यह विश्वास करने के लिए कै उत्प्रेरित करता है कि वह संपत्ति उसी की है। खे उस संपत्ति को इस विश्वास से कि वह संपत्ति कै की संपत्ति है यह के कब्जे में से सद्भावपूर्वक ले लेता है। खे इस भ्रम के अधीन कार्य करते हुए उसे बेईमानी से नहीं लेता और इसलिए चोरी नहीं करता, किंतु कै चोरी के दुष्प्रेरण का दोषी है और दंड से दंडनीय है मानो खे ने चोरी की हो। धारा 108 में स्पष्टीकरण 4 कहता है कि अपराध का दुष्प्रेरण अपराध होने के कारण ऐसे दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण भी अपराध है। इसका दृष्टांत है गै को यह की हत्या करने को उकसाने के लिए खे को कै उकसाता है। खे तदनुकूल यह की हत्या करने के लिए गै को उकसाता है और खे के उकसाने के परिणाम स्वरूप गै उस अपराध को करता है। खे अपने अपराध के लिए हत्या के दंड से दंडनीय है और कै ने उस अपराध को करने के लिए खे को उकसाया, इसलिए कै भी उसी दंड से दंडनीय है। स्पष्टीकरण 5 है षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरक उस अपराध को करने वाले व्यक्ति के साथ मिलकर उस अपराध की योजना बनाए। यह पर्याप्त है कि वह उस षड्यंत्र में सम्मिलित हो जिसके अनुसरण में वह अपराध किया जाता है। इसका दृष्टांत है यह को विष देने के लिए कै एक योजना कैसे मिलकर बनाता है। यह सहमति हो जाती है कि कै विष देगा। खै तब तक वर्णित करते हुए तब यह वर्णित करते हुए गै को यह योजना समझा देता है कि कोई तीसरा व्यक्ति विष देगा, किंतु कै का नाम नहीं लेता है। गै विष उपाप्त करने के लिए सहमत हो जाता है और उसे उपाप्त करके समझाए गए प्रकार से प्रयोग में लाने के लिए खे को प्रदत्त कर देता है। कै विष देता है, परिणाम स्वरूप यह की मृत्यु हो जाती है। यहाँ यद्यपि कै और गै ने मिलकर षड्यंत्र नहीं रचा तो भी गै उस षड्यंत्र में सम्मिलित रहा है जिसके अनुसरण में यह की हत्या की गई है, इसलिए गै ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है और हत्या के लिए दंड से दंडनीय है। धारा 108 में धारा 108
8 के पश्चात धारा 108A जोड़ी गई है, जो कि भारत से बाहर के अपराधों का भारत में दुष्प्रहण के संबंध में प्रावधान करती है। धारा 108A कहती है कि वह व्यक्ति इस संहिता के अर्थ के अंतर्गत अपराध का दुष्प्रहण करता है जो भारत से बाहर और से परे किसी ऐसे कार्य के किए जाने का भारत में दुष्प्रहण करता है जो अपराध होगा यदि भारत में किया जावे। इसका दृष्टांत है कै भारत में, खे को जो गोवा में विदेशी है, गोवा में हत्या करने के लिए उकसाता है, कै हत्या के दुष्प्रहण का दोषी है। भारत के बाहर के अपराधों का भारत में दुष्प्रहण संहिता की धारा 108A के अनुसार एक व्यक्ति जो भारत से बाहर किसी कार्य के किए जाने में दुष्प्रहण करता है जो यदि भारत में किए जाने पर अपराध होता तो वह दुष्प्रहण का दोषी होगा। लेकिन गोवा के अब भारत का एक भाग हो जाने से यह दृष्टांत भी जो है प्रयोजन नहीं है। इस प्रकार यह धारा किसी भारतीय नागरिक द्वारा भारत में रहते हुए किसी विदेशी क्षेत्र में अपराध का दुष्प्रहण करने पर उसे दंडनीय बनाती है। इसके पीछे मूल भावना यह है कि वह कार्य जिसे करने के लिए किसी भारतीय नागरिक ने भारत में रहते हुए विदेशी क्षेत्र में दुष्प्रहण किया, ऐसा कार्य हो जो यदि भारत में किया जाता तो अपराध माना जाता। इसी प्रकार धारा 109 दुष्प्रहण का दंड यदि दुष्प्रेरित कार्य उसके परिणाम स्वरूप किया जाए और जहां की उसके दंड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं है। जो कोई किसी अपराध का दुष्प्रहण करता है यदि दुष्प्रेरित कार्य दुष्प्रहण के परिणाम स्वरूप किया जाता है और ऐसे दुष्प्रहण के दंड के लिए इस संहिता द्वारा कोई अव्यक्त उपबंध नहीं किया गया है तो वह उस दंड से दंडित किया जाएगा जो उस अपराध के लिए उपबंधित है। कोई कार्य या अपराध दुष्प्रहण के परिणाम स्वरूप किया गया तब कहा जाता है जब वह उस उकसाहट के परिणाम स्वरूप या उस षड्यंत्र के अनुसरण में या उस सहायता से किया जाता है जिससे दुष्प्रहण घटित होता है। इसमें दो तीन दृष्टांत हैं। पहला है खे को जो एक लोक सेवक है, खे के पदी कृत्य के प्रयोग में कै पर कुछ अनुग्रह दिखाने के लिए इनाम के रूप में कै रिश्वत की प्रस्थापना करता है। खे वह रिश्वत प्रतिग्रहित कर लेता है। कै ने धारा 161 में परिभाषित अपराध का दुष्प्रहरण किया है। दूसरा दृष्टांत है खे को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए कै उकसाता है। खे उस उकसाहट के परिणाम स्वरूप वह अपराध करता है। खे उस अपराध के दुष्प्रहरण का दोषी है और उसी दंड से दंडनीय जिससे खे है। तीसरा दृष्टांत है ये को विष देने का षड्यंत्र कै और खे रचते हैं। खे उस षड्यंत्र के अनुसरण में विष लाता है और उसे खे को इसलिए प्रदत्त करता है कि वह उसे यह को दे। खे उस षड्यंत्र के अनुसरण में वह विष कै की अनुपस्थिति में यह को देता है और उसके द्वारा यह की मृत्यु कारित कर देता है। यहाँ खे हत्या का दोषी है, कै षड्यंत्र द्वारा उस अपराध के दुष्प्रहण का दोषी है और वह हत्या के लिए दंड से दंडनीय है। एक केस है नूर मोहम्मद बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र AIR 1971 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 885। इस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह कहा गया कि धारा 109 के अंतर्गत अभियुक्त की उपस्थिति आवश्यक नहीं मानी जाएगी। इस धारा के अंतर्गत दुष्प्रहरण का उत्तरदायित्व वही निर्धारित किया गया है जो प्रमुख अपराधकर्ता का हो सकता है। इसके लिए सिद्ध किया जाना आवश्यक है कि प्रमुख अपराधकर्ता ने उस दुष्प्रहरण के परिणाम स्वरूप ही अपराध किया है तथा ऐसे दुष्प्रहरण के कार्य पर दंड प्रदान करने के लिए इस संहिता में किसी अभिव्यक्त प्रावधान का उल्लेख नहीं किया गया है। दुष्प्रहरण एक सार्वभूत अपराध है, इसके लिए आरोप विरचित किया जाना आवश्यक है। सोहनलाल बनाम स्टेट ऑफ पंजाब AIR 2003 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 4466 में ये कहा गया कि दुष्प्रहरण एक सार्वभूत अपराध है, इसके लिए आरोप विरचित किया जाना आवश्यक होता है। धारा 110 दुष्प्रहरण का दंड यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति दुष्प्रेरक के आशय से भिन्न आशय से कार्य करता है। जो कोई किसी अपराध के किए जाने का दुष्प्रहरण करता है यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति ने दुष्प्रेरक के आशय या ज्ञान से भिन्न आशय या भिन्न ज्ञान से वह कार्य किया हो तो वह उसी दंड से दंडित किया जाएगा जो उस अपराध के लिए उपबंधित है जो किया जाता। यदि वह कार्य दुष्प्रेरक के आशय ज्ञान से न कि किसी अन्य आशय ज्ञान से किया जाता। धारा 111 है दुष्प्रेरक का दायित्व जब एक कार्य का दुष्प्रहण किया गया है और उससे भिन्न कार्य किया गया है। जबकि किसी एक कार्य का दुष्प्रहण किया जाता है और कोई भिन्न कार्य किया जाता है तब दुष्प्रेरक उस किए गए कार्य के लिए उसी प्रकार से और उसी विस्तार तक दायित्व के अधीन माना जाएगा मानो उसने सीधे उसी कार्य का दुष्प्रहण किया हो। परंतु यह तब जबकि किया गया कार्य दुष्प्रहरण का अधिसंभव परिणाम था और उस उकसाहट के असर के अधीन या उस सहायता से या उस षड्यंत्र के अनुसरण में किया गया था जिससे वह दुष्प्रहरण घटित होता है। इसमें दृष्टांत है
एक शिशु को यह के भोजन में विष डालने के लिए क्या उकसाता है और उस प्रयोजन से उसे विष प्रदत्त करता है। वह शिशु उस उकसाहट के परिणाम स्वरूप भूल से मैं के भोजन में जो कि यह के भोजन के पास रखा हुआ है विष डाल देता है। यहाँ यदि वह शिशु कह के उकसाने के असर के अधीन उस कार्य को कर रहा था और किया गया कार्य उन परिस्थितियों में उस दुष्प्रण का अधिसंभव परिणाम है तो कह उसी प्रकार उसी विस्तारता दायित्व के अधीन है मानो उसने उस शिशु को मैके भोजन में विष डालने के लिए उकसाया हो। दूसरा दृष्टांत है खे को यह का ग्रह जलाने के लिए क्या उकसाता है। खे उस ग्रह को आग लगा देता है और उसी समय वहाँ संपत्ति की चोरी करता है। ये कह यद्यपि ग्रह को जलाने का दुष्प्रण का दोषी है किंतु चोरी के दुष्प्रण का दोषी नहीं है क्योंकि वह चोरी एक अलग कार्य थी और उस ग्रह के जलाने का अधिसंभव परिणाम नहीं थी। तीसरा दृष्टांत है खे और गय को बसे हुए ग्रह में अर्धरात्रि में लूट के प्रयोजन से वेदन करने के लिए क्या उकसाता है और उनको उस प्रयोजन के लिए आयुध देता है। खे और गय वे गृह वेदन करते हैं और यह द्वारा जो निवासियों में से एक है प्रतिरोध किए जाने पर यह की हत्या कर देते हैं। यहाँ यदि वह हत्या इस दुष्प्रण का अधिसंभव परिणाम थी तो क्या हत्या के लिए उपबंधित दंड से भी दंडनीय माना जाएगा। धन्यवाद।